प्रदेश भर में निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा ने सोमवार को इंदौर जिले के घाटा बिल्लो से बेटमा में प्रवेश किया। दोपहर 4 बजे बेटमा पहुंची यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यात्रा का नगर में कई स्थानों पर स्वागत मंच स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा की भव्य अगवानी अंबेडकर चौराहे पर की गई, जहां से खुली जीप में सवार होकर मुख्य अतिथि देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पूर्व विधायक मनोज पटेल के साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुख्य मार्ग से होते हुए नगर के पूरा बाजार पहुंचे, जहां बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर भाजपा को विजय बनाने की बात कही। इस आयोजन में क्षेत्र के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आईटीए के अध्यक्ष और युवा नेता भाई गोलू शुक्ला जी भी हमारे बीच में हैं। इनका चरित्र देखिए, ये कांग्रेस के साथ आए हुए लोगों का चरित्र देखिए। इनके साथ वो स्टालिन तमिलनाडु का, वो क्या कहता है, वो स्टालिन कहता है कि ये जो हमारा सनातन है, हजारों हजारों साल पुराना हमारा सनातन धर्म, वो कहता है ये सनातन डेंगू जैसा है, ये मलेरिया जैसा है, ये कोविड जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा वो नादान कहता है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक में कांग्रेस का मंत्री है, वो कहता है ये सनातन धर्म ये तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद उनका उत्तर प्रदेश का एक साथी कहता है कि सनातन धर्म ये तो पॉइजन जैसा है, ये तो विष है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, इन नादानों को बता दो, हजारों हजारों साल पुराना सनातन धर्म, अरे इतने लोगों ने आकर इसके ऊपर आक्रमण किया, आक्रमणकारी कहाँ है हमको पता नहीं, वो सारे जमीन में गाड़ दिए गए, लेकिन सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया। अरे जब जब सनातन के ऊपर कोई आक्रमण हुआ तो देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, महाराणा प्रताप जैसा एक राजा पैदा हुआ, जिसने लड़कर इस सनातन को बचाया। और भाई साहब ने कहा ये बात सही है कि जब इस सनातन पर हमला करके हमारे मंदिरों को गिराकर किसी को ये लगा कि सनातन समाप्त हो जाएगा, उस समय एक महारानी हमारे मालवा से निकली, जिसने पूरे देश के अंदर जितने हमारे मंदिर थे उन मंदिरों को अहिल्या देवी होलकर ने बनाने का काम किया। और इसलिए ये जो लोग सनातन को समाप्त करने की इच्छा रखते हैं, इनके इरादों को समाप्त कर दीजिए, इनके इरादों को इस प्रकार से कुचल दीजिए, इस प्रकार से जमीन के भीतर गाड़ दीजिए कि इसके बाद सनातन के ऊपर बोलने का साहस भी कोई न कर पाए। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे बीच में पधारे थे। बेटमा में उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करी और बहुत ही अच्छे तरीके से आज बेटमा के नागरिकों ने, आसपास की जनता ने, देपालपुर विधानसभा के लोगों ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को खूब अपना आशीर्वाद दिया। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी भी आज यह देख करके, इस यात्रा का स्वागत देख करके, इसकी सभा देख करके बोल करके गए कि अब यहाँ भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। आज बेटमा नगर में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत बहुत बड़ी अच्छे से यहाँ पर कहा, और मातृशक्तियों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर भारी भीड़ में यहाँ पर उन्होंने सभी ने बहुत समय तक और देवेंद्र जी कर्नाटक का स्वागत करने में बहुत मदद करी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्तियों को और सभी बेटमा नगर वासियों को, बहुत सभी युवा भाजपा नगर के सभी अध्यक्ष जो भी हो, मैं मनीषा नगर अध्यक्ष माँ, उन्हीं सभी का बहुत दिल से आभार से व्यक्त करती हूँ और उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या लगता है आपको, बिल्कुल तैयारी है, सब अपनी जी जान लगा कर सब तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र में एक मुद्दा भी उठ रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बेटमा नगर के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय मोहन जी यादव, मनोज जी पटेल के नेतृत्व में बेटमा नगर के अंदर पधारे। साथ ही साथ उन्होंने बेटमा नगर के अंदर ये
आह्वान किया है कि जो भी आगामी जो चुनाव आ रहा है, इन चुनाव के अंदर नगर की जनता डबल इंजन का कामकाज करे। माननीय शिवराज जी सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इस नेतृत्व के चुनाव के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो उसको विजय दिला के भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करे। इसके बाद मोदी जी के चुनाव के अंदर आपको जो भी है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय को चुनाव जिताकर अन्य मुद्दा होता नहीं है, स्थानीय का कोई मुद्दा नहीं होता है। स्थानीय का मुद्दा तो बस केवल जो व्यक्ति है, आज मुद्दा होना चाहिए विकास का, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, मुद्दा होना चाहिए लोगों के रोजगार का। आज माननीय इस विधानसभा के अंदर जो विधायक जी हैं उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं कराया। जो भी पूर्व विधायक है मनोज जी पटेल, शिक्षा के क्षेत्र में आज बेटमा को एक महाविद्यालय की सौगात शिवराज जी से लड़ झगड़ के कैसे भी करके उन्होंने दिलाई, वो दिलाई है। आज नगर के अंदर पूरे क्षेत्र दीपालपुर क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बह रही है, आप जाके देख लीजिए। पिछले 15-20 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किया है वो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहीं से कहीं तक नहीं करा। इसके लिए आप जो भी बात होती है केवल विकास के मुद्दे पे बात होना चाहिए, शिक्षित लोग विकास के मुद्दे की बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।